खाली है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ। वो इंसान जो अल्लाह और उसके रसूल की नहीं मानेगा, وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, वो इंसान जो अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी पर नहीं चलेगा, वह यतअद्दा हुदूदहु, और अल्लाह ने जो हुदूद जो बाउंड्री लगा रखी है उस बाउंड्री को क्रॉस करने की कोशिश करेगा, उस हद को पार करने की कोशिश करेगा, तो क्या होगा, युदखिलहु नारन खालिदन फीहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे आग में दाखिल कर देगा, उसे जहन्नम में दाखिल करेगा। और फरमाया खालिदन फीहा, और जहन्नम में सिर्फ दाखिल नहीं करेगा बल्कि उसमें हमेशा हमेशा उसे रहना पड़ेगा। वलहू अज़ाब मुहीन, और सिर्फ आग में दाखिल नहीं करेगा, हमेशा हमेशा सिर्फ रहने की बात नहीं है बल्कि फरमाया उसके लिए अज़ाब मुहीन, एक ऐसी सजा होगी मुहीन जो उसे रुस्वा करती रहेगी, जो उसे जलील करती रहेगी। ये देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गुनाह की तीन कैफियत बताई, एक ये कि अल्लाह की मर्जी पर ना चलना, एक सवाल यह है कि क्या हम अपनी मर्जी से दुनिया में आए हैं, कोई इंसान यह दावा नहीं कर सकता कि मैं अपनी मर्जी से अपनी चॉइस से इस दुनिया में आया। तो जरा बताइए एक इंसान जब अपनी मर्जी से दुनिया में नहीं आया तो अपनी मर्जी से जिंदगी कैसे गुजार सकता। कैफियत यह है कि अल्लाह की मर्जी पर ना चलना गुनाह है, और उसके रसूल जो उसने अपने पैगाम को लेकर भेजा है उसकी मर्जी पर ना चलना और उसकी हद को पार करना यह गुनाह कहलाता है। अब हद क्या है, सुबह उठकर आपको नमाज पढ़ना यह एक हद है, नमाज आपने अदा नहीं की हद को क्रॉस करना है, अपने भाई के हक को देना है आपने हक नहीं दिया यह हद को पार करना है, बंदों के हक को और अल्लाह के हक को दोनों को अगर आप नहीं दे रहे तो आप